हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड बॉस ऑफ इन्वर्स इनवेस्ट फॉर एवर हो चुका है तो डोंट बी कंफ्यूज और बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो में तो इस पर्टिकुलर वीडियो में डेली हम एक एक पर्टिकुलर एक चार्ट पैटर्न देखते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी का तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट शेयर नजर आ रहा है ओके okay, आज के दिन में उसने फिफ्टी टू वीक हाई भी इसने टच किया है तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे उसके फंडामेंटल टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल यहाँ पर जानेंगे और बात करें यहाँ पर आज के दिन में यहाँ पर आई से रिलेटेड दस दिन पहले सत्ताईस मई को यहाँ पर

तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपको ट्रेडिंग डीपेट अकाउंट ओपन कराना है फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल बोकिंग के साथ तो आइए वीडियो की तरफ तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर से रिलेटेड तो यहाँ पर अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखते हैं तो काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है बट यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी है क्योंकि काफी बार शेयर नीचे गिरा है अच्छा अच्छा गिरा है थोड़ा बहुत भी नहीं गिरा अच्छे खासे परसेंटेज में यहाँ पर शेयर नीचे गिरता हुआ नजर आया है लगभग बात करें चालीस चालीस पचास पचास परसेंट और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता फिर अभी एक मतलब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है ये चार्ट पैटर्न और ऊपर की तरफ ये शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है मैक्सिमम आज का भी देखे तो आज

फोर की तो इस चीज को भी हमें पकड़ना होगा कि शेयर में गिरावट और वॉलिडिलिटी बहुत ज्यादा है तो इस चीज को भी देखिए एज वेल एज अगर बात करें राइट इशू कंपनी बहुत बार राइट इशू भी लेके आई है दो में राइट दो में लेके आई स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर एक बार स्प्लिट हो चुका है 2004 में बोनस की बात करे तो यहाँ पर दो बार बोनस 91 और 93 में यहाँ पर मिल चुका है और इसका 52 टू वीक लो की बात करें तो 12 जून 2020 को बीस महीने एक साल पहले ही नौ सौ रुपए था और लगभग सो हंड्रेड परसेंट के गेन अभी तक दे चुका है आप देख सकते हैं आज के दिन सेवन जून को दो हजार रुपये तक ये शेयर टच किया है और आज के दिन में तेरह परसेंट लगभग तीन लाख लग सत्तावन हजार शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाते हुए दिखाई दिए है और अगर कुछ और चीजों की बात कर ले तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा यहाँ पर पे करती हुई नजर आती है और हर साल डिविडेंड देती है। और यहाँ पर देखे कोई भी शेयर इनका आ, प्लेजिंग नहीं है कोई भी शेयर गिरवी नहीं है छियालीस परसेंट के शेयर में क्या कंपनी करती है कंपनी का नाम क्या है तो देख लेते हैं कंपनी का नाम है पेमिल इंटरप्राइजेस इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है रियलिटी सेक्टर में फार्मा में एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विसेज में लाइक हाउसिंग लोन एंड पिरामिल कैपिटल uh, तो दो तीन चार तीन सेक्टर सेगमेंट में, में कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो इसके अगर कुछ फाइनेंशियल देखते हैं तो आपके सामने मार्केट कैप है मार्केट कैप है फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर एटी सिक्स करोड़ रुपीज के मतलब लार्ज कैप है और यहाँ देखिए इंडिया डाइवर्सिफाइड कंपनीज है विद प्रेजेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और बात करते हैं आर की तो इलेवन परसेंट की आर है और डेट की बात करें नाइनटी का डेट है बट डेट यहाँ पर मायने नहीं रखेगा क्यों नहीं रखेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या है होम लोन वगैरह में ये देती है तो होम लोन अगर देती है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर डेट रहता ही है प्लेजिंग की बात करें कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है डोंट भी कंफ्यूज और यहाँ पर और भी कुछ देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए okay, सेम सेल्स होती हुई दिखाई देता है उसके बाद यहाँ कंटिन्यूसली गिरावट थी और फिर अभी कंपनी देखिए यहाँ पर तो पेंडेमिक था फिर अभी दोबारा एक रेंज इसने बनाई है दोबारा उठना शुरू हो गया शेयर और लगभग थर्टी फोर हंड्रेड पे आ गया मतलब अगर बात करें पिछले एक डेढ़ साल से दोबारा कंपनी ने परफॉर्म करना दो साल से कंपनी परफॉर्म करना शुरू कर दिया अच्छा खासा बार बार तो क्या, क्या अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इस बार का नेगेटिव में है क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपेंस ज्यादा होते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर और भी कुछ चीजें होगी यहाँ पर देखना पड़ेगा वो सब चीज तो आपको पता चलेगा यहाँ पर नेगेटिव शायद टैक्स वगैरह इन्होंने कुछ ज्यादा दिया होगा उस वजह से तो यहाँ पर टैक्स देखे तो 153 परसेंट का टैक्स दिया है शायद इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव है आ, बट कोई इशू नहीं है कंपनी परफॉर्म कर रही है रिवेन्यू पेश कर रही है और बात करें यहाँ पर सेल्स की ईयरली वाइज तो ईयरली वाइज अगर देखते हैं तो देखिए दो मार्च 2010 में छत्तीस करोड़ फिर स्कूल सोलह सौ तिरहत्तर फिर इक्कीस सौ फिर पैतीस सौ फिर पैंतालीस इक्यावन तिरसठ पचासी दस हजार ग्यारह हजार तेरह हजार और फिर दोबारा उसी रेट में बढ़ ही रहा था बट यहाँ पर आपको पता ही है पेंडेमिक का रीजन है अदरवाइज यहाँ पर ये यह इस बार फोर थर्टीन या फोर्टीन थाउजेंड करोड़ रुपीज के आसपास पास यहाँ पर सेल्स से नजर आती है मगर मतलब कहने का क्या है कि कंसिस्टेंसी है और जहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखाई देती है ना वहां पर शेयर जाते ही है और उसके शेयर प्राइस भी बढ़ते हुए नजर आते हैं प्रॉफिट की बात प्रॉफिट पर पर नेगेटिव में था प्रॉफिट प्रॉफिट हाईएस्ट जनरेट हो रहा है अगर बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर एक बार ज्यादा हुआ था इसके बाद यहाँ हुआ था और यहाँ पर तो पेंडामिक था ओके जिसकी वजह से यहाँ पर चौबीस करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ इस बार दोबारा यहां पर पैंडामिक खत्म होते हुए मतलब कंपनी ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और अपने प्रीवियस जो इनके अच्छे खासे रिजल्ट थे ओके, अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है तो खासी है एक हजार छह सौ तैतालीस करोड़ के रिजर्व तैतीस हजार नौ सौ तेहत्तर करोड़ के रिजर्व मतलब इतने बेहतरीन रिजर्व तैतीस के बात करें तीस अट्ठाईस के रिजर्व यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं बोरेइंग की बात करें बोरेइंग तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर वजह से है और वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही है अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजों की तो फिक्स एसेट यहाँ पर देखे तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है इस बार तो कंपनी अच्छा खासा है, है यहाँ पर जब एक्सपेंड करती है तो देखे यहाँ पर साफ नजर आता है यहाँ पर यहाँ पर जब फिक्स एसेट बढ़ती हुई नजर आती है तो मतलब कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करती हुई नजर आती है इन्वेस्टमेंट की बात करें बाईस करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है और यहाँ पर कैश की बात करें कंपनी का अच्छा खासा कैश है कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा है तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए और बात करते हैं यहां पर आरओसी की तो यहां पर देखिए दस ग्यारह परसेंट की आरओसी यहां पर रहती है प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 46 परसेंट की पर होल्डिंग तो फाइनेंशियल कंपनी होती है एफ आई एस की होल्डिंग, होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज करी है उन्होंने वन परसेंट से ट्वेंटी नाइन परसेंट है डी आई एस की बात करें टेन पॉइंट फाइव फोर परसेंट है पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास कितने

हो चुका है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके गेन की तो कितना हमें परसेंटेज गेन मिल सकता है तो देखिए जिस ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न होता है और इसमें जितना नीचे से बॉटम से यहाँ पर अप की तरफ रखते हैं और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर अगर हम रखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं तो अगर हम यहाँ पर इसे रखते हैं थोड़ा सा और नीचे आएगा यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 68 परसेंट के गेन यहाँ पर नजर आ रहे हैं साफ के साफ तो अगर आप यहाँ पर जा सकते हैं 68 के गेन के साथ जो कि इसका अगर बात करें ऑल टाइम हाई है मतलब इसका लास्ट टाइम जो हाई था ट्वेंटी अगस्त uh, 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 18 को ओके okay, यहाँ पर मतलब अगस्त सितंबर के आसपास जो इसका हाई था वही हाई इसका आता हुआ नजर आ रहा है जो कि सिक्सटी है अगर इसे सिक्सटी को एक साल भी लग जाते हैं ना तो याद रखना काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट है काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट

अठारह में हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहां पर देखिए अगस्त 2018 मतलब यहां पर अगर देख लेते हैं तो दस हजार रुपए का दस हजार करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू था है, जो कि बारह हजार में हो गया मतलब सबसे हाईएस्ट यहाँ पर रेवेन्यू आया है तो शेयर प्राइस को जाना ही है ऊपर बात करें नेट प्रॉफिट भी अगर यहां पर देखते हैं तो इक्यावन करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था वो अभी कम नजर आ रहा है बट कोई नहीं है धीरे धीरे यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है ओके यहाँ पर कुछ चीजें अलग हो सकती है वो पूरी बैलेंस शीट देखेंगे तभी पता चलती है बाकी अगर बात करें यहाँ पर अगस्त दो

इतना है ही है सौ रुपए के आसपास जाएगी बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर कुछ भी करिएगा बाकी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ इन्वेस्ट फॉर एवर को और दूसरे लोगों को भी कनेक्ट कराइए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस